हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में स्वागत है आपका। मैं हूँ राहुल मालवी। आज हम देखने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री में खेदी डायनेस्टी का इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी अर्ली लाइफ मतलब खेदी राजवंश का प्रारंभिक जीवन, फिर खेदी राजवंश की उपलब्धियाँ, वन बाय वन इन सभी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि हम जानते हैं कि सम्राट अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य के काफी प्रसिद्ध शासक रहे हैं, और इनके शासनकाल में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। और कलिंग के इस युद्ध को मौर्य सम्राट अशोक ने जीत लिया था, ठीक है ना। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि कलिंग का जो शासन है वो फिर से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ठीक है, और इस कलिंग का जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र क्या है, चेदी राज्य या चेदी साम्राज्य है। यदि हम इसकी बात करें तो प्रथम शताब्दी में क्या हुआ, कलिंग पूर्व में भारत का क्या था, अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन गया पूर्व में, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, ये मौर्य साम्राज्य से अलग हुआ, और पूर्व में, पूर्व बोल के हो रहे हैं भारत के पूर्व में, क्योंकि क्या है, उड़ीसा है, और उड़ीसा में ही क्या आता है, आपका कलिंग आता है। तो कलिंग पूर्व में क्या हुआ, सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। और इस समय जो चेदी वंश है, जो चेदी डायनेस्टी है ना, इसका जो शासन किसके पास था, महामेघवाहन कुल के पास था, ठीक है ना। और छठवीं ईसा पूर्व क्या हुआ, चेदी महाजनपद के आधुनिक कहाँ थी, छठवीं में, छठवीं शताब्दी में जो चेदी महाजनपद है वो बुंदेलखंड के जो शासक है उन्हीं का एक हिस्सा क्या हुआ, बाद में कहाँ चला गया, कलिंग चला गया। और उसी ने क्या किया, एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। मतलब जो चेदी वंश है वो कहीं ना कहीं क्या है, इस बुंदेलखंड का जो चेदी साम्राज्य है उससे संबंधित है, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, चेदी एक महाजनपद रही है, तो इसी का एक हिस्सा स्वतंत्र होकर कहाँ पहुंच गया, कलिंग पहुंच गया, और उसने एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है ना। अब हम इसके प्रमुख शासक की बात करें, प्रमुख राजा की बात करें, तो खारवेल क्या है, इसके प्रमुख शासक रहे। संभवतः माना जाता है कि कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक कौन था, महामेघवाहन था। कौन था, महामेघवाहन नामक व्यक्ति था जो इस कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था, खारवेल हुआ। कौन हुआ, खारवेल। खारवेल इस समय का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ, ठीक है ना। अब हमें इसकी इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है कि खारवेल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, तो खारवेल पहली बात तो क्या है, हमारे प्राचीन इतिहास के सबसे प्रमुख सम्राटों में से एक है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो उड़ीसा में पूरी जिला है जो कहाँ है, भुवनेश्वर के पास है। इससे 3 मील दूर उदयगिरी के पहाड़ों में हाथी गुम्फा से क्या क्या मिलता है, बिना तिथि का अभिलेख हमें मिलता है। और इस अभिलेख में ही क्या लिखा हुआ है, उसके बचपन के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, उसके राज्याभिषेक होने के बारे में, तथा उसके राजा बनने के उपरांत 13 वर्षों का जो शासनकाल है उसका क्रमबद्ध जानकारी क्या है, इस हाथी गुम्फा के अभिलेख से हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। यदि हम इसकी अर्ली लाइफ की बात करें, चेदी साम्राज्य की अर्ली लाइफ की बात करें, तो चेदी साम्राज्य की अर्ली लाइफ की हम बात करें तो महामेघवाहन खारवेल तो क्या क्या था, पितामह था ऐसा माना जाता है, और खारवेल तीसरा शासक बताया गया है ना। मतलब खारवेल का जो पितामह कौन था, महामेघवान था, और फिर तीसरा शासक कौन था, खारवेल था, ठीक है ना। अब जो मेघपुरी गुफा, एक लेख में क्या हुआ, बकरदेव नामक महामेघवान शासक का उल्लेख हुआ है, इसमें मेघपुरी की गुफा में, ठीक है ना। फिर कुछ हमारे विद्वान भी है, जैसे डॉक्टर है ना, ए के मजुमदार हो गए, है ना, डॉक्टर सी सरकार हो गए, ऐसे विद्वान मानते हैं कि महामेघवाहन को ही का क्या कहा गया है, चेदी वंश का दूसरे शासक, खारवेल को पितामह, खारवेल के पितामह माना है। इन दोनों एक्सपर्ट के अनुसार क्या है, इन दोनों एक्सपर्ट के अनुसार जो डॉक्टर सी सरकार है तथा ए के मजुमदार जो विद्वान है ना, ये मानते हैं कि महामेघवाहन क्या है, चेदी वंश का दूसरा शासक, खारवेल वंश का पितामह है, ठीक है ना। हम बात करें अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट क्या है, चेदी वंश की उपलब्धियां क्या क्या है, तो चेदी वंश की उपलब्धियों की हम बात करें तो खेदी
खेरवाल ने राजा होने के पश्चात सबसे पहले अपनी राजधानी को कहाँ कहाँ किया था? कलिंग नगर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, ये इसकी उपलब्धियों में से एक थी। तो खेरवाल ने क्या किया था, राजा होने के पश्चात अपने कलिंग नगर में ही क्या करवाया था, नगर का निर्माण करवाया था। फिर खारवेल ने जो सत्कर्णी है उसकी उपेक्षा करते हुए क्या किया था, विशाल सेना पश्चिम की ओर भेज दी थी, लेकिन सत्कर्णी और खारवेल की सेना के बीच में कोई ऐसा संघर्ष नहीं हुआ, संघर्ष ही नहीं हुआ उनके बीच में। तो ये कहीं ना कहीं क्या थी, इसके खारवेल के प्रथम अभियान का क्या हुआ था, उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में खारवेल ने क्या किया, भोजपुर तथा पूर्वी खानदेश और अहमदनगर के रीठकों के विरुद्ध क्या किया था, सैनिक अभियान छेड़ा, और यहाँ पर क्या किया उसने, सफलता प्राप्त की थी, ठीक है ना, इनको परास्त कर दिया था, और ये क्या क्या हो गया था, इनके अंडर में काम करने के लिए बाध्य हो गए थे। यदि हम इसके रिलीजियस बिलीफ की बात करें तो जो खारवेल है वो कहीं ना कहीं क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। यदि हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, निर्माण की बात करें, तो इन्होंने क्या किया था, राजधानी की प्राचीर तोरणों का निर्माण किया, साथ ही साथ उदयगिरी में जो रानी गुम्फा है, खंडागिरी में अनंत गुम्फा है, इसमें जो उत्कीर्ण चित्र मिलते हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, इनके निर्माण कला को दिखाते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या 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 देखा, चेदी वंश को देखा, चेदी वंश के प्रारंभिक इतिहास को देखा, उनके चेदी राजवंश के प्रारंभिक जीवन को देखा, उनकी उपलब्धियों को देखा, उनके निर्माण कार्य को देखा। यदि आपको आज की क्लास में किसी पॉइंट पर कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके। 5 मिनट।